एक बार स्वागत है आप चारों ही मेहमानों का, एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ प्लीज स्वागत करिए। चारों ही हमारे बहुत खास मेहमान हैं। और इस सेशन से पहले जब मैंने बैक स्टेज बात की अपने मेहमानों के साथ, तो बहुत सारी चीजें समझ में आती है ना, कि कोई एक पेज के अंदर अपनी कहानियां खत्म कर देते हैं, कोई पूरी कविताओं के जरिए अपने दिल को उड़ेल देते हैं, कोई इवोल्यूशन की बात करते हैं कि कैसे लेखक लिखते लिखते बदलता है, और कोई ये बताता है कि एक छोटे से शहर से इतनी हजारों हजार कहानियां कैसे आ जाती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप चारों का ही हमारी इस खास पेशकश में, बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और हम आप चारों से ही अलग अलग बात करके समझने की कोशिश करेंगे कि यंगस्टर्स के लिए खासतौर से मेरे मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं। राजेश जी, आप क्या सोचते हैं, कितना बदल रहा है युवा? आप जब इतनी सारी कहानियां एक शहर से लेकर आते हैं, सबसे पहले तो मुझे बताइए पॉसिबल कैसे हो पाया? देखिए, कल्चर एक बहुत बड़ी चीज है। एक घर में बच्चा पैदा होता है, माँ बाप उसे संस्कार देते हैं, भाषा देते हैं, टीचर के पास जाता है, वो उसे शिक्षा देता है, बताता है क्या है। लेकिन एक चीज है कल्चर। मैंने कहानियां शुरू करी हैं आज से 100-125 साल पहले से, जब हिंदुस्तान में आजादी नहीं आई थी, अंग्रेजों का राज था। और कैसा हिंदुस्तान था सब लोग जानते हैं। और उस जमाने में जब औरतें सूती धोतियां पहने हुए घर में रहती थी, उन औरतों को ये किसने बताया कि शिफॉन क्या होता है, शिफॉन किस मौसम में पहना जाता है, कांजीवरम क्या होता है। जब किचन्स में पीतल के और तांबे के बर्तन होते थे, तो शहर को ये कल्चर किसने दिया कि टी शर्ट क्या होता है, इसमें दूध कैसे रखा जाता है, इसमें चीनी अलग कैसे रखी जाती है। बरेली शहर से एक आदमी अंगूठा टेक ट्रक ड्राइवर ऐसा क्या करता है कि JRD टाटा बरेली आते हैं और उसके घर पे जाके उसको मर्सिडीज गिफ्ट करते हैं। 1937 में एक आदमी पानी के जहाज से इंग्लैंड जाता है और वहां पर वो अंग्रेजों से सूट्स की ड्रैपिंग और टेलरिंग का सर्टिफिकेट लेके आता है और बरेली में एक वेस्ट एंड कंपनी खोलता है, और उसके बनाए हुए सूट्स आज के अरमानी से ज्यादा महंगे थे। तो शहर क्या कह रहा है, शहर की बुदबुदाहट क्या कह रही है, शहर किस तरह से सांसें ले रहा है, शहर किस तरह से बढ़ रहा है। हम विकास देखते हैं मेट्रो से, पुलों से, बड़े बड़े कंक्रीट के जंगलों से, सैटेलाइट से, लेकिन हम लोग हमेशा विकास करते रहे हैं। हमारा दिमाग, हमारा दिल हमेशा विकास करता रहा है। और आज का जो हमारा युवा, मेरी जो तीसरी किताब आ रही है गुज़िश्ता बरेली, एक तो बरेली डेवलप कैसे हुआ, फिर बरेली के 100 लोगों ने बरेली को नेशनल और इंटरनेशनल पहचान दी। झुमका कहाँ गिरा था वहाँ पे? झुमका कहीं नहीं गिरा था केवल अमिताभ बच्चन के माता पिता की सगाई बरेली में हुई थी। ओके जी हाँ, तो लोग कहते हैं तेजी बच्चन का झुमका वहाँ गिरा था। लेकिन बरेली जो शहर है वो सुरमे का शहर है जी। सुरमा वहां का बहुत मशहूर है जी हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ, जो मेरी तीसरी किताब है फेदर्स ऑफ बरेली, यानी कि बरेली जैसे छोटे शहर के गली कूचों में से, उन्हीं मोहल्लों में से, उन्हीं एजुकेशन सिस्टम में से, उन्हीं मेंटेलिटी में से, मानसिकता में से, किन 100 बच्चों ने पूरे दुनिया में परचम लहराए, फेदर्स ऑफ बरेली, राइट। नालंदा यूनिवर्सिटी का चांसलर कौन बना, इसरो में कौन गया, मेटा में कौन गया, सुपर कंप्यूटर में कौन गया, यानी कि मुख्तलिफ कंट्रीज में हमारी जो पूरी दुनिया है उनमें बरेली के बच्चे कहां कहां गए हैं और किस किस तरीके से उन्होंने विकास किया है। देखिए, कहानियां लिखी जाती हैं फिक्शन, हम लोग दिमागों में पैदा करते हैं किरदार। मैं तो 300 किरदार जिंदा लेके आया हूं एक शहर में से। तो शहर धड़क रहा है, शहर बोल रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हर शहर में संभावनाएं हैं, हर शहर ऐसे बोलता है। सबको जरूरत है अपने अपने शहर का दस्तावेज करने की, अपने अपने शहर के इतिहास को जानने की, अपने अपने शहर को समझने की। और मेरे साथ जब मैंने इसको अपने पेज पे शुरू किया तो थोड़े से लोग जुड़े थे। आज मैं कोई भी कहानी डालता हूं तो उसे लाखों में लोग पढ़ते हैं, और मेरी कहानियां बहुत लंबी होती हैं, यानी कि अगर मैंने कोई किरदार चुना है तो उसके 10 पीढ़ियों पहले क्या था, तो मैं 10 पीढ़ियों का शिजरा लेके आता हूँ, ताकि बच्चे भी समझ सके कि हमारा परिवार क्या है, हमारे लोग क्या हैं। और कुछ कहानियां तो ऐसी हैं जिन्होंने फाका मस्ती की है और आज वो अरबपति खरबपति हैं, या जो लोग बहुत बड़े थे वो आज रसातल में हैं। तो यानी कि थ्योरी ऑफ नथिंगनेस, कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं बचता है, राइट। तो समझना चाहिए, जानना चाहिए, हमारी नई पीढ़ी को ये पता होना चाहिए कि हमारा इतिहास क्या है, हमारे पीढ़ियां क्या है, हमारा शिजरा क्या है, हम किन लोगों से जुड़े हुए हैं जी। तो एक लंबी कहानी है ये, और मैं इसमें अब तक 180 कहानियां कर चुका हूँ, 120 कहानियां मुझे और करनी है, उनको मैं तलाश रहा हूँ। आपको 120 कहानियां क्यों करनी है, मैं ये सवाल आपसे जरूर पूछूंगी। आपने लंबी कहानियों का जिक्र किया, मैं देवेश से बात करूंगी सर।
उधर लंबी कहानी है और आपकी लव स्टोरी भी एक पेज में खत्म हो रही है। मतलब मैं तो ये भी कंप्लेन नहीं कर सकती कि पढ़ने के लिए समय नहीं है, आप चलते फिरते कहीं भी खत्म कर जाइए। हो सकता है कि पूरा को पूरा किताब आप चार दिन में खत्म कर ले, क्योंकि एक ही एक पेज की स्टोरी है। कैसे? मैंने दिल्ली मेट्रो के अंदर जब सफर करना शुरू किया 2010-11 में, तो चूंकि हमारा सफर भी आधे घंटे 15-20 मिनट का होता था, और उसमें जो दृश्य मुझे दिखाई देते थे उनका साथ तो उतनी देर का होता है, तो मेरी कहानियों में लगभग मैंने 500 से 700 कहानियां है दिल्ली मेट्रो के अंदर की, और जो कोई भी कहानी में किसी किरदार का नाम नहीं आता क्योंकि मुझे नहीं पता उनका नाम क्या है, लेकिन वो कहानियां चूंकि मेरा साथ उनका 10-15 मिनट का ही होता था, और उस दौरान अगर मुझे कुछ उनसे मिला कि ये चीज लिखी जा सकती है, तो मैंने एज इट इज कोशिश की कि बिना अपनी तरफ से कुछ उसमें मसाला मिलाए उसको मैं दर्ज करने लगा फेसबुक पे, और 200-250 शब्दों में वो कहानी होती थी। उसे कहानी बाद में लोगों ने कहानी कहें, लघु कथा कहें, ये तो पाठकों के ऊपर है, मैं उसे दृश्य कहता हूँ कि एक दृश्य मैंने दर्ज कर दिया और उसमें किरदार का नाम नहीं, एक घटना है, वो घटना अच्छी भी हो सकती बुरी भी हो सकती, हो सकता है आपको हंसाए, हो सकता है आपको इमोशनल करे, और वो फेसबुक पे चल पड़ी, तो उसके बाद वही फॉर्मेट मैंने फॉलो किया। मैडम बहुत शुक्रिया आपका, और मतलब मैं ना आपकी एक फेवरेट कहानी जो आपके दिल को अभी तक छुई है वो जरूर सुनूंगी, लेकिन उससे पहले शैलजा जी बहुत स्वागत है आपका, आपकी कविता के साथ शुरुआत कर लेते हैं जो आपकी अपनी फेवरेट कविता है, क्योंकि महिला विमर्श पर आप लिखती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं खूब सारी कविताएं लिखती हूँ और आदि आबादी को संबोधित करके वो कविताएं होती हैं। कविता के पहले मैं दो लाइन किसी दोस्त की है वो सुनाती हूँ, क्योंकि मैं उससे बहुत रिलेट करती हूँ। उठाकर चाक पर रख दो मेरे इस देह की माटी, मुझे कुछ और बनना था, लिखा कुछ और है इसमें। वाह वाह, बहुत खूबसूरत। तो एक छोटी सी कविता है मेरी, मेरे संग्रह का नाम भी कमाल की औरतें हैं, तो कमाल की औरतें एक छोटी सी कविता। शैलजा जी कविता शुरू करें उससे पहले मैं उनके तारुफ में ये कह दूंगा कि सेशन कहानी का है, तो मैं शैलजा जी की तारीफ ऐसे करूंगा कि वो कविता में कहानियां लिखती हैं, प्यार से सुने उनको। शुक्रिया शुक्रिया। तो कमाल की औरतें छोटी सी कविता जी। जब घर से बाहर होती हैं औरतें, ये तुम्हारे कमरों के कोनों में एक जाल बुन रही होती हैं मकड़ी की तरह, ये आहिस्ता से सांस लेती हैं तो जाले कांप जाते हैं। जब घर में नहीं होती औरतें, वो खुली छत की डोरियों पर छूट जाती हैं भूले हुए कपड़ों की तरह, धूप सहती तेज हवा से उसी डोरी में लिपट जाती सी जी। जब घर में नहीं होती हैं औरतें, ये अखुआ जाती हैं पुराने आलू पर, हरी सब्जियों पर सांवली झुर्रियों सी नजर आती हैं, ये खाली भगोने में उबलता दूध बन जाती हैं, गिलास में गिलास बन फंस जाती हैं, ये डिब्बों से फिसल जाती हैं तेल सी, ये तुम्हारे माथे पर बल खाती हैं। जब घर से बाहर होती हैं औरतें, बाथरूम की खूंटियों पर कपड़ों सी लटकी रहती हैं, ये साबुन सी बची रहती हैं हथेली वाली साबुनदानी में, ये खुशबू साथ लिए जाती हैं, रसोई के कैलेंडर में दर्ज हिसाब की लालसाही में होती हैं, बेड की पीठ पर लाल बिंदी सी चिपकी, बेटे के बैग में टिफिन सी हिचकी, गमले के फूल में झरे पत्तों सी, भगवान के पास कटोरे में कपूर सी, ये औरतें घर से बाहर जाकर भी कहीं नहीं जाती हैं, और तुम कहते हो कमाल की औरतें हैं, मुसीबतों से कदम कदम पर टकरा जाती हैं। वाह, एक एक लाइन से ना रिलेट कर सकता है कोई भी ना, कि वाकई में कमाल की होती हैं औरतें। तो आपने वाकई में बहुत खूब लिखा है। तो आप सिर्फ महिला विमर्श पे, मेरा आपसे एक और सवाल है, महिला विमर्श पे क्योंकि आप बहुत लंबे समय से लिखती आ रही है, आपने कुछ चेंजेस देखे हैं महिलाओं के किरदारों में, महिलाओं की भावनाओं में, महिलाओं के उस पर्सपेक्टिव से देखें कि वो बहुत मुखर होकर बहुत अपनी बुलंद आवाज के साथ अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर अपनी बात कह रही हैं? मैं अपनी ही रचना धर्मिता की बात अगर कहूँ तो मैं एक छोटे से शहर से हूँ जहाँ पर 12वीं इसलिए पढ़ा दी जाती है कि 12वीं के बाद ब्याह कर दिया जाएगा, 20-25 साल पहले चली जाएं, और तो उनकी ये मानसिक तैयारी होती है कि इसके बाद मुझे घर ही संभालना है जी। तो छोटी जगहों की औरतों की खास करके अपनी वो बहुत ही संकीर्णताओं में रहती हैं,
उनके इमोशंस बहुत सप्रेस दबे हुए रहते हैं, वो अपनी बात कह नहीं पाती थी तब जी। और लेकिन धीरे धीरे ये बदलाव आया जी। मैं अगर अपने आप को ही देखूं तो मैं सिर्फ 10 साल से कविताएं लिख रही हूं, तो आखिर मुझे इसकी ट्रेनिंग किसी ने नहीं दी, ये अचानक ही हुआ। इसका मतलब कि ये बोलना, ये कहना, ये बातें दूसरों तक पहुंचा देना मेरे मन में कहीं ना कहीं इकट्ठा होता रहा है। तो जरूर पहले की तुलना में अब औरतें अपनी बात कह रही हैं और आगे उन्हें और अपनी बात कहने के लिए इस तरह से अच्छा मंच जरूर मिलना चाहिए। माहौल भी बदल रहा है ना, बहुत सारे लोग आपके सपोर्ट के लिए हैं। ऑफ कोर्स बहुत, हम सिर्फ ये मैं मेरा मे बी पर्सनल एक्सपीरियंस हो कि हम सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन लगता है कि हमारी तरक्की में ना हमारे पिताओं का, हस्बैंड का, भाइयों का बहुत बड़ा रोल है, बहुत ज्यादा बड़ा रोल है। हाँ। तो ये जो शुरू जब हम टीनेजर्स थे तब से लेके आज जो बच्चे टीनेजर हैं उनमें बहुत फर्क है, वो बहुत ज्यादा आगे आ रहे हैं। पर मुझे लगता है कि उनकी मुश्किलें अब भी कम नहीं हुई हैं औरतों की, उन्हें थोड़ा और खुला मंच देना चाहिए, उन्हें खुले दिल से सुनना भी चाहिए और उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई भी कुछ अच्छा कह रहा हो, बोल रहा हो, तो जरूर वो और आगे आएंगी। दुष्यंत जी, बहुत स्वागत है आपका। आप लिरिसिस्ट हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, इतनी सारी चीजें आप कर रहे हैं। मतलब जब आपने लिखना शुरू किया था तो क्या सिर्फ शौक में शुरू हुआ था, कभी आपने सोचा था कि इतने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इस तरीके से आप अपनी बात रखेंगे? कई बार रहते हैं ना, बचपन से आपके मन में तमन्ना रहती है, कई बार शैलजा की तरह कि उनके मन में था लेकिन उन्होंने शुरुआत 10 साल पहले की, पर मन में कहीं ना कहीं इच्छाएं थी। ये आपकी शुरुआत कैसे हुई? पहले तो ये इत्तेफाक ऐसा हुआ है, तो मैं जब भी कहीं कवितात्मक रूप से जाहिर होता हूँ या हाजिर होता हूँ, तो क्योंकि गीतकारी से मेरा ताल्लुक है तो मैं गजलें अभ्यास के लिए लिखता हूँ। शायर नहीं हूँ पर अभ्यास के लिए गजलें लिखता हूँ ताकि मीटर छंद समझ में आए। तो आप सुनाते भी है ना गजलें? तो उसी के लिए मैं एक शेर कह रहा हूँ जो इस सेशन के साथ जुड़ा हुआ है इत्तेफाक से। तो है कि बड़े शहरों में अक्सर ख्वाब छोटे टूट जाते हैं, बड़े शहरों में अक्सर ख्वाब छोटे टूट जाते हैं, बड़े ख्वाबों की खातिर शहर छोटे छूट जाते हैं। ओ वाव, वाह। तो चुप। अब मैं बात इस पे आऊंगा कि आपने जो कहा कि जब यात्रा शुरू की तो मैं छोटे शहरों से भी ज्यादा छोटे गांवों का आदमी हूं। मेरा बचपन गांवों में गुजरा जी। पढ़ाई के सिलसिले में शहर आना जाना शुरू हुआ, फिर रोजगार बड़े शहरों तक लेके गया। तो हुआ ये है कि जिंदगी जहां लेके आई है और जिन मरहलों से होके हम जहां पहुंचते हैं, उन सारे मरहलों से मोहब्बत भी करते हैं और उनसे शिकायत भी रखते हैं जी। तो मुझे लगता है कि एक राइटिंग प्रोसेस के तौर पे शुरू में ये था कि ऐसी जगह पे बचपन गुजरा जहां अखबार भी तीसरे दिन पहुंचता था। तो मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि ऐसी जगह पर किसी सरकारी स्कूल में राजस्थान के टाटपट्टियों वाले शहर गांव में पढ़ने वाला लड़का लेखक बनने के अलावा दुनिया में क्या ख्वाब देख सकता था, क्या अफोर्ड करता था देखना। चाहे मैं 10वीं क्लास में या 11वीं क्लास में सुमन सौरभ में से काट के मैंने FTI का करियर ऑप्शन चुन के रख लिया था अपनी किसी कॉपी में, पर बहुत समय तक लगता था कि FTI पुणे जाना तो मंगल ग्रह जाना है, इतनी दूर रहता था मैं। फिर हालांकि जिंदगी वहां लेके आई, वो अलग बात है, वो एक यात्रा से करके लेके आई। तो लिखना परवरिश में शामिल हो गया था, बिगड़ना शुरू हो गया था। जैसे जावेद अख्तर कहते हैं कि जिस दिन ये एहसास हुआ कि हम शायरी कर सकते हैं, उस दिन के बाद फिर दुनिया में और कोई काम करने लायक हम बचे नहीं थे। तो मैंने शायद आपके सवाल का जवाब दिया हो। लेकिन मेरा एक और सवाल इसमें ये है कि जिस तरह की परवरिश, जिस तरह के माहौल की आप बात कर रहे हैं या जिस तरह के इलाके से आप आए, वहां तो लिखना वैसे भी एक, मैंने किसी को सुना था ना कि किसी के फादर ने पूछा क्या करते हो शहर जाकर, उसने कहा लिखना शुरू किया है। अरे वो तो ठीक है, करते क्या हो? किसी का लिखता हूँ। अरे कमाने के लिए क्या करते हो? लिखना तो शौक है। तो ये और मुश्किल भरा रहता है ना कि लोगों को, पेरेंट्स को, फैमिली को ये समझा पाना कि यही मेरा शौक है, यही मेरा पेशा है, सब कुछ यही है। हाँ, इस फर्क को मिटाना बड़ा
बड़ा मुश्किल काम होता है। जब जीवन में लिखना शुरू किया तो पहले सपने आपका परिवार तय करता है या माहौल तय करता है कि जीवन में ये कर लो, क्योंकि दुर्भाग्य से मैं अच्छा स्टूडेंट था, नंबर अच्छे आ जाते थे, तब तो और मुश्किल है, और मुश्किल हो जाता था। क्योंकि आपको चॉइसेस फिर आपके ऊपर थोप दी जाती हैं कि अच्छा स्टूडेंट है तो साइंस पढ़ेगा, नहीं तो आर्ट्स में आ गया तो फिर आईएएस बनेगा। तो वरना क्या होता है कि घर का जो सबसे फिसड्डी बच्चा होता है उसके पास हजार ऑप्शन होते हैं, वो सबसे मजे में है, उसके पास हजार ऑप्शन ही होते हैं, बेटा तू भी ये भी करके देख लो, बोले कहते किसी में तो कामयाब हो जा, तो उसको हजार ऑप्शन मिलते हैं। तो अच्छे स्टूडेंट को एक्सप्लोर करने के लिए जीवन में ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, मैं हमेशा ये मानता हूँ। तो ये मुझे लगता है शायद पूरे भारत में और होता होगा कि हमें बोलते हैं कि अच्छा कलाओं में हो, गाते बजाते हो या लिखते हो, पर करते क्या हो, ये एक सामान्य सी बात है। पर मुझे लगता है कि शायद मेरे फादर टीचर थे और उन्होंने बहुत प्रेशर तो नहीं दिया, पर उन्होंने कभी रोका नहीं मुझे लिखने से, कभी नहीं रोका। और पढ़ते पढ़ते जीवन में कब लिखना शुरू किया, कब छपना शुरू किया, वो एक यात्रा शुरू हो गई। पर हाँ, बाद में जब इतिहास में मैंने पीएचडी किया, पीएचडी के बाद कुछ टाइम पढ़ाना शुरू किया, फिर मजा नहीं आया तो जर्नलिज्म किया कि यार लिखने से जुड़ा काम है, चलो जर्नलिज्म करते हैं। तो अखबार में फीचर एडिटर रहा, फिर एक दिन मन में आया कि यार लिखना पूरा मजा नहीं आ रहा, अब शुद्ध लेखक होना चाहिए, केवल लेखक होना चाहिए। अखबार का लिखना और शुद्ध लेखक होने में बड़ा फर्क है, ये वैसा ही फर्क है कि आप एक धातु की चीज से ही, सुई से आप कपड़ा सील रहे हो, उसी धातु से तलवार का काम भी लिया जा रहा है। तो धातु तो वही है पर काम आप अलग अलग ले रहे हो। तो अखबार में काम लिखने को मुझे लगा कि मूल रूप से लिखने से वो काम बहुत अलग है, तो तय किया कि यार अब दोनों में से एक काम करना है। या तो इसको मैं मजाक में कई बार ये कहता हूँ कि यार बीवी और प्रेमिका अलग अलग नहीं रखनी है, एक ही करते हैं यार, हाँ नहीं संभाली जाएगी दो स्त्रियां जीवन में, तो पेशा और शौक जो है वो अलग अलग नहीं संभाला जाएगा। मतलब पेशा एंड शौक के साथ साथ ये भी मैसेज है ना कि दो को संभालना मुश्किल, संभालना मुश्किल होगा यार, एक को ही संभालते हैं, बीवी अलग हो और प्रेमिका अलग हो तो नहीं संभाला जाएगा। तो आपकी बात का जवाब यहाँ बनता है कि मैंने नौकरी छोड़ते हुए घर पे इन्फॉर्म नहीं किया, जयपुर में नौकरी करता था मैं, तो मैंने जब नोटिस दे दिया अखबार में काम करते हुए एक महीने का कि मैं नौकरी रिजाइन दे रहा हूँ, और देने के 7 दिन बाद मैंने घर पे इन्फॉर्म किया कि नौकरी छोड़ दी है और मैं 3 हफ्ते बाद बंबई जा रहा हूँ। क्योंकि मध्यम वर्गीय प्रेशर फिर भी था कि अगर मैं उनसे पूछ के नौकरी छोड़ूंगा तो नहीं चलेगा, तो मुझे घर वाले नौकरी नहीं छोड़ने देंगे, कभी परमिशन नहीं देंगे। देवेश को इसमें बीच में कुछ आया, डायलॉग याद आ गया किसी फिल्म का था कि एक बीवी कम पड़ जाती दो ज्यादा हो जाती। ये सही, शैलजा जी कुछ कहेंगी, शैलजा जी बोलो, एक ही संभालो काफी है। एक ही संभालो काफी है, लेकिन इनके उसमें या किसी के भी उसमें आप जब अर्निंग कर रहे होते हो ना, आप लिखने से क्या अर्न करते हैं, जैसे बोलते हैं आप लेखक हैं तो और क्या करते हैं, तो उन्हें पता है लेखक है कितना पैसा मिलता होगा। तो ये तो सही है कि जब आप प्रैक्टिकल ग्राउंड पे हो तो आपके लिए ये बहुत मायने रखता है, आप एक आपका कोई बैकिंग नहीं है कि आपका घर चलाए, तो आप एक नौकरी करते हैं और आपकी वो रचनात्मकता जो आपकी क्रिएटिविटी है वो कहीं कहीं मरने लग जाती है, क्योंकि आप उससे कितना पैसा बना लेते हैं। तो ये सवाल तो मुश्किल है बहुत। मैं आपसे भी पूछूंगी राजेश जी, मतलब क्योंकि किताबों के मैंने सुना है किताबें बहुत पॉपुलर भी हों आपकी, तभी भी खासतौर से हिंदी राइटर्स को उतने अच्छे पैसे नहीं मिलते जिससे कि वो एक सही सलामत जीवन यापन कर पाए। जी सच तो है ये, लेकिन हिंदी के पढ़ने वाले इतने दीवाने हैं वो करे क्या। मैं बहुत छोटा था और 7th क्लास से ही मैंने VPP से किताबें मंगाना शुरू कर दी थी जी। मैं अपनी 9th क्लास में था और मुझे मैं इलाहाबाद चला गया। उन दिनों गर्मियां बहुत लंबी होती थी, गर्मियों की दोपहर बहुत लंबी होती थी, मैं किसी रिक्शे पे बैठ के आज भी लंबी होती नहीं, आज भी लंबी नहीं होती है, आज तो एसी लगा होता है, गर्मियां लगती कहाँ है किसी को, ठीक है ना। तो मैं रिक्शा पकड़ के महादेवी वर्मा का मेरे पास पता था, मैं महादेवी वर्मा के यहाँ चला गया। 9th क्लास में मेरी कोई उम्र नहीं थी और मेरे कोर्स में वो लगी हुई थी, इसलिए मुझे पता था ये इलाहाबाद में रहती है। और जब मैं उनके घर पहुंचा तो दोपहर का वक्त था और हाँ नहीं आराम नहीं कर रही थी, वो बैठी थी, मैं उनसे मिला, उन्होंने मुझसे बातचीत करी, खाने का वक्त हो गया तो उन्होंने मुझे भी खाने के लिए इनवाइट किया। तो मैंने खाना खाया और वो जमीन पे बैठ के, उनके घर का कोई और व्यक्ति भी खा रहा था, मुझे भी खिलाया और वो बैठी थी पीड़े पे। मेरे घर में वॉश बेसिन था तो मैं तो हाथ उसमें धोता था। अब वो चूंकि हम बरामदे में खा रहे थे
और खाना खा के हम उठे तो मैं तो वॉश बेसिन ढूंढ रहा था कि कहाँ हाथ धोऊं, तो उन्होंने वही लोटा उठाया और मेरे हाथ धुलाए। हमारे वॉश बेसिन के पास तौलिया भी होता था, तो तौलिया नहीं था तो महादेवी वर्मा ने अपना पल्लू मेरे आगे कर दिया। मैंने उनके पल्लू से जब हाथ पोछे, मैं इतना नादान था, मुझे नहीं पता था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। ऐसे ही शिवानी के मैं जाता था तो वो मुझे बहुत सारे अमरूद बहुत सारे सेब काट के खिलाती थी। अमृतलाल नागर के घर चौक वाले घर में जाया करता था, उनसे बातें करता था, तो वो पान का बीड़ा खाते थे और मुंह में पान भरा रहता था। इतने खूबसूरत हिंदी के राइटर, भीष्म सहनी के साथ, नामवर सिंह के साथ, मैनेजर पांडे के साथ, पता नहीं कितने कितने लोगों के साथ, अमृता प्रीतम के साथ, इमरोज के साथ, कितनी दोपहरियां काटी हैं हमने। तो मतलब हो सकता है अंग्रेजी में लिखने वाले को पैसा बहुत मिलता हो, लेकिन जो दिल हमारा भरता है वो हमारा हिंदी राइटर से भरता है। हाँ। और हमें हिंदी इतनी पसंद है क्योंकि हम हिंदुस्तान में हैं, हमारी मादर जबान हिंदी है। अंग्रेजी ठीक है, बढ़िया है, बड़ा इम्प्रेशन पड़ता है, लेकिन हमारे तो दिल में हमारी जबान पे सजती हिंदी सजती है। देवेश, आप कुछ कहेंगे इस पे, और साथ ही साथ आप अपनी कोई फेवरेट कहानी जो आपके दिल को छू गई हो? सर की बात से मुझे किसी शायर की, नाम तो उनका याद नहीं आ रहा है, अंग्रेजी और हिंदी पे उन्होंने कहा था कि जो भूखा है छीन झपट कर खाएगा, कब तक कोई सहमेगा शर्माएगा, अपनी भाषा घी शक्कर सी होती है, गैर की भाषा बोलेगा हकलाएगा। वाह, छा गया। शायद अनूप वशिष्ठ जी की ये लाइन, ये मुझे बड़ी पसंद है। और जो आपने कहा, तो मैंने पहले ही ये कहानी, एक छोटी सी कहानी है, मुश्किल से 100 शब्द हैं इधर। मेट्रो के अंदर भी कई अग्नि परीक्षाएं चलती हैं, जिसका परीक्षार्थी नदी का साथ देता हूं समंदर रूठ जाता है की स्थिति का सामना करता है, और आज का नायक इसी परिस्थिति में फंसा हुआ है। विश्वविद्यालय स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर नायिका और नायक बैठे हुए हैं, देखकर ही लग रहा है कि ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के होंगे। कन्या ने बातचीत के दौरान ही टिफिन खोला तो नायक ने ऐसे प्रतिक्रिया दी जैसे कुछ देख नहीं रहा है। नायिका ने ऑफर किया, आज पराठे मैंने बनाए हैं। नायक ने कांपती आवाज निकाली, आज मेरा व्रत है। व्हाट यार, मैं बचपन से ही नवरात्र के पहले और आखिरी दिन व्रत रखता हूं। ठीक है, करो तुम व्रत, मैं आज कितने मन से पराठे बना के लाई थी। अब नायिका इधर उधर देखने लगी, नायक ने अपना सिर झुकाकर हाथ से थाम लिया, 2 मिनट बाद सिर ऊपर उठाया और पराठा खाने लगा। नायिका को आश्चर्य हुआ लेकिन चुप रही। खा लेने के बाद नायक ने मोबाइल निकाला और कोई नंबर मिलाया, कान से लगाया। हेलो मम्मी, नवरात्र कब से शुरू हो रहा है? क्या आज से? अरे नहीं यार, यहाँ दिल्ली में तो लोग कह रहे हैं कल से शुरू हो रहा है, और मैंने कल आपसे बात भी की थी तो आपने भी नहीं बताया कि आज से शुरू हो रहा है। अब तो मैंने पराठा खा लिया। क्या यार मम्मी, आप भी ना। तो ये एक दृश्य था, तो उसको एज इट इज मैंने लिख दिया। इतना चतुर नायक है ये। पर ये भी ठीक है कि वो बैलेंस करना सीख जाए। इसीलिए पहले लिखा कि नदी का साथ देता हूँ तो समंदर रूठ जाता है। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी आयरनी है, कम से कम इंडियन सोसाइटी की। शैलजा जी, आप मुझे जरूर बताइए, महिला विमर्श पर हम कितनी भी बात करें, लेकिन ये मुझे दुखद लगता है कि माएं बहुत कंट्रोल में रखना चाहती हैं अपने बेटे को, एंड वाइफ भी कंट्रोल में रखना चाहती हैं अपने हस्बैंड को। मतलब वो बेचारा बहुत पिसा हुआ नहीं है? गलत नहीं लगता आपको ये? गलत है, नहीं होना चाहिए उसके साथ ऐसा कि आदमी पिसा हुआ है? हाँ। कुछ शैलजा जी के एक्सप्रेशन। नहीं, क्योंकि मतलब मेरे एक्सपीरियंस में और मेरे जानकारी में ऐसे कम लोग कम है। हाँ, कि जहाँ पिसा हुआ है। हाँ। मैंने औरतों को ही पिसते हुए देखा। माना एक कड़ी वहाँ छूट गई थी, उसे मैं वहाँ प्लीज प्लीज, तो मैं वो छोटी सी कड़ी आपको बताऊंगी कि पैसे जब आप लिखने से कमाते हो। हाँ। तो 19 साल की उम्र में मेरी मुझे 501 रुपया दे के पसंद कर लिया गया। 501 रुपया। उसके बाद मैंने एक छोटी सी कविता लिखी, वो क्या लिखी याद नहीं है। उसका मुझे 350 रुपया मिला। तो तब मुझे ये समझ आया कि अगर ये 350 बहुत जल्दी जल्दी मुझे मिलता रहे तो मुझे वो 501 रुपए की जरूरत अभी नहीं थी। बात तो बिल्कुल सच है।
लेकिन चीजें बदल रही हैं, चीजें बहुत चीजें बदल रही हैं। और उस पर्सपेक्टिव में भी मैं कई बार ऐसा सोचती हूँ कि अभी ढेर सारी साइंटिफिक रिसर्च है जो कहती है कि आप बहुत देर से शादी करते हैं तो उसके अपने नुकसान है, तो हमको एक एज तक पढ़ना भी है, सेटल भी होना है, और उसके बाद फिर हम अगर हमको फैमिली आगे ले जानी तो उसके बारे में भी सोचना है। मे बी ये मेरा पर्सनल व्यू हो, लेकिन बहुत सारी स्टडी एंड रिसर्च के बाद ये सामने आने लगा है। अभी क्या है, लड़कियां और औरतें अपना अपने हिस्से का सपना जी रही हैं। सच बात है, वो आगे बढ़ बहुत अच्छी बात भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो नौकरी करना चाह रही हैं, वो अपने सपने को पूरा करना चाह रही हैं, वो जो भी हैं आर्टिस्ट हैं, मीडिया कर्मी हैं, जो भी हैं वो बनना चाह रही हैं, पर ऐसा करके ना वो अपने ऊपर काम बहुत बढ़ा ले रही हैं। एक्चुअली ऐसे नहीं है कि वो बहुत मजे में है बाहर गई, वो दो दो जगह पिस रही हैं, वो घर भी पूरी तरह से संभाल रही हैं, बाहर फील्ड में भी आकर के उन्हें बहुत कुछ कहना पड़ रहा है, तो बहुत आसान नहीं है अपने सपनों को पूरा कर पाना। तो उनके लिए जरूर अगर घर माहौल और समाज थोड़ा और सपोर्टिव हो तो वो काम बहुत बेहतर तरीके से वो कर पाएंगी। इसमें मैं दुष्यंत जी आपको भी एक इंसिडेंट बताऊंगी। अभी कुछ ही दिन पहले एक फ्रेंड, नाम नहीं लूंगी उनका, आउटडोर शूट से वो लौटी 15 दिनों के बाद, बहुत मेहनत करके वो आई, तो उनका कहना ये था कि मैं अब छुट्टी नहीं ले सकती, मुझे अब क्योंकि मेरे बच्चे को मेरी फैमिली ने संभाला है, अब मुझे घर बहुत अच्छे से संभालना है, क्योंकि उनको लग रहा है कि 15 दिन के बाद तुम आई हो अभी, तो काइंड ऑफ जैसे वो छुट्टी पे गई थी, मतलब ऐसी फीलिंग्स थी घर वालों में जैसे वो छुट्टी पे गई हैं, जबकि वो ऑफिस के काम से गई हैं, दिन रात वहां पर वो काम करके आई हैं, क्योंकि अगर आउटडोर शूट्स पे हो तो बीइंग अ जर्नलिस्ट आपके पास बहुत काम है, लगातार रात को 10 बजे तक आप शूट ही कर रहे हैं, कई बार सुबह 6 बजे से शुरू हो जाता है, तो मुझे उस दिन भी लगा कि हाँ वाकई में ये बहुत चैलेंजिंग है, और इसे एक्सेप्ट करना कि आप छुट्टी पे नहीं गए, आप काम करने गए, लेकिन घर में आप ऐसे लौट रहे हैं जैसे आप छुट्टी अकेले मना कर आए हैं। औरतों का क्या है, सॉरी मैं इंटरप्ट की क्या जी, औरतों का क्या है, उनके स्पेस की कदर नहीं है थोड़ी भी, कोई चाहता नहीं है कि उनका भी एक स्पेस होना चाहिए, मी टाइम, कि ये उनका अपना टाइम है, अगर वो थोड़ी देर बैठी हुई है तो उनके छुट्टी में काउंट कर लिया जाएगा, अगर वो बाहर गई है जबकि वो काम से गई है, वो सब्जी लेने गई है तो क्या ये काम नहीं है, सब्जी लेके वो आ रही है, काम है उनके लिए, तो इन छोटे छोटे उनके किए गए कामों को भी घर वालों ने दर्ज करना चाहिए कि हाँ ये काम कर रही है। पर ये घर वाले हम ही सब तो है, अगर देखा जाए तो हमारे ही बदलने की, हमारे ही अंदर वो आलोचक बैठा हुआ है जो जो कहता है कि औरतों को भाई तुम वो कर रही हो तो घर कौन करेगा, ये सवाल आपके घर में ही किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा थोड़ा हम बदलें तो चीजें बदलने लगेंगी। नहीं बिल्कुल, थोड़ा सा बदलना चाहिए। अब मैं यहाँ बैठ के अगर ये बोल रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि कल शाम तक मैं पहुँचूंगी तो खाना कब बनाऊंगी, तो आप इतने फ्री माइंड नहीं है, तो वो थोड़ा सा फ्रीडम, वो थोड़ा सा मी टाइम, ये आसपास वालों को भी सोचना चाहिए, तो औरतें बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगी। दुष्यंत जी आप मानते हैं कि पीछे पत्नी, मतलब दो नहीं एक वाली जो पत्नी है वो अगर बहुत अच्छे से सपोर्ट करें तो कोई भी मेल मेंबर बहुत ज्यादा तरक्की पाए, और आपकी जर्नी में कितना रोल रहा है? बड़ा मुश्किल सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि सपोर्ट तो दोनों, दो तो मान लो पहिए माने गए ना हमारे यहाँ, कि गाड़ी के दो पहिए हैं जी, अक्सर ये होता है कि वो पहिए जो है ना कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, तो आप ये मान के चलिए कि अगर एक पहिया बड़ा और एक पहिया छोटा है किसी भी संदर्भ में क्यों नहीं हो, मेरा ही मानना है कि गाड़ी के दो पहिए बराबर होने चाहिए, तो बराबर होने चाहिए तभी वो सीधी रेखा में चलेंगे, वरना आप गोल गोल घूमोगे। एक पहिया छोटा है किसी भी संदर्भ में छोटा है तो गाड़ी गोल गोल एक चक्कर में ही घूमेंगी, वो सीधे रास्ते में आगे कहीं पहुंच नहीं सकती है। तो ये तो मुझे लगता है इसमें कोई भी आदमी असहमत नहीं हो सकता कि दो पार्टनर हैं और दोनों पार्टनरों की सहमति से और सपोर्ट से दोनों का जीवन अच्छा होगा। अगर वो दोनों सहमतियों से नहीं हो पा रहा है तो ये यकीन मान के चलिए कि एक व्यक्ति में कुंठा कॉम्प्लेक्सेस रहेंगे और उस यूनिट की तरक्की नहीं हो पाएगी। इंडिविजुअल की तरक्की हो सकती है, दो मिलके अगर एक यूनिट बनती है तो यूनिट की तरक्की तो तभी हो पाती है जब दोनों लोग उसमें साथ मिलके सहभागी हों। ये बहुत खूबसूरत बात है। तो क्योंकि अल्टीमेटली हम ये मानते हैं कि या तो आप सिंगल ही रह लो जीवन में, शादी मत करो। जब आप इंडिविजुअलिस्टिक इतने ही ज्यादा हो तो फिर इंडिविजुअलिस्टिक नहीं हो, इफ यू हैव एक्सेप्टेड ऑफ बिकमिंग ए यूनिट, तो फिर तो यूनिट का एक रिस्पेक्ट बनता है। बिल्कुल। तो यूनिट का मतलब तो फिर यही है कि भाई दोनों पहियों को बराबर होने देना, बराबर रहने का मतलब है कि प्रोफेशनली देर शुड बी
इक्वल और पर्सनल लाइफ में, घर के मामलों में, जैसे मैं एक उदाहरण इसका देता हूँ, मेरी बीवी भी लेखक है, शिल्पा जी जानती हैं, तो बात इस रूप में तो है, मतलब उन्होंने आपको इंस्पायर किया या आपने उनको इंस्पायर किया? वो तो मेरे से कहीं ज्यादा ऑलरेडी इंस्पायर्ड है। ओके। तो हम अपनी अपनी जर्नियों में थे और कहीं जाके टकरा गए। ओके। तो वो जावेद अख्तर साहब ने किसी फिल्म में लिखा ना, हमें मिलना ही था, हम तुम किसी राह भी निकलते। ओके। तो वो वैसा मसला था जी। तो कुल मिला के मैं मानता हूँ कि ये आपकी बात से और शैलजा की बात जिससे यहाँ जुड़ेगी, इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे घर में इसीलिए ये फर्क नहीं है कि कमाने और घर चलाने में कोई विभाजन नहीं है। राइट। विभाजन इस रूप में है कि किचन में कौन जाएगा। किचन में वो जाएगा कि जिस दिन जिसका कोई काम नहीं है, डेडलाइन नहीं है, वो किचन में जाएगा। किचन में इसलिए नहीं जाएगा कि जेंडर का विभेद नहीं है। जो मेरी माँ को आज भी एक्सेप्ट नहीं होता जब मैं जाके बहुत मुश्किल होती होगी, आई एम श्योर। मेरी माँ को एक्सेप्ट नहीं होता कि मैं किचन में जाऊँ। नहीं, उनको लगता होगा मेरे बेटे पर अत्याचार हो रहा है। पर मैं इसके बावजूद मैं ये बात मानता हूँ कि भाई काम ये जेंडर को तय करने का काम नहीं है। right. किचन में कौन जाएगा? किचन में वो जाएगा जो आज कमाने का काम नहीं कर रहा है। right. जिस दिन मैं बाहर के काम नहीं कर रहा हूँ उस दिन मैं किचन में जाऊंगा। जिस दिन बीवी बाहर का काम नहीं कर रही है उस दिन किचन में वो जाएगी। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है लेकिन मुश्किल है। हाँ, बहुत मुश्किल है बहुत, क्योंकि हमारा जेंडर स्टीरियोटाइप ऐसा बना हुआ है कि किचन आर रेस्ट्रिक्टेड टू फॉर द फीमेल ओनली। तो जब तक स्टीरियोटाइप नहीं बदलेंगे तब तक बड़ी मुश्किल वाली बात है। अब मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग इन कहानियों से याद आया, आप मुझे बताइए कि एक राइटर जब लिखता है ना, इवोल्यूशन के बारे में जरूर समझना चाहूंगी, कितने परिवर्तन कहानी लिखते लिखते उस राइटर के अंदर आते हैं, या फिर राइटर की जो पर्सनैलिटी है, जिस तरह का उसका जीवन है, उसके जो असर है वो उनके लेखन पर आते हैं। मुझे एक चीज तो ये लगती है कि कहानियां पाठक को बाद में बदलती हैं, कहानियां पहले खुद लेखक को बदलती हैं। ऐसा है? हाँ। मैं इसको इस रूप में कहना चाहूंगा कि मैं अपने जीवन की तमाम कहानियों की रचना में, जो मेरी पहली किताब पेंगुइन से आई थी जुलाई की किताब, दूसरी किताब आपके सामने है, थोड़ा प्रचार भी कर लूं किताब का। तो प्लीज बताइए, ये ताजा किताब है पेंगुइन से आई है, किससे कोफियाना। तो इन कहानियों की मैं पूरी यात्रा को जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इन्होंने मेरे अंदर बहुत तरह के बदलाव किए हैं, क्योंकि मैं किरदारों के साथ जूझता उन किरदारों में, पहले मैं खुद होता था, अब वो किरदार मुझ में शामिल होने लगे हैं। तो मैं पहले जब किरदार रचता था तो मैं किसी किरदार के साथ अटैच होता था, फिर मैंने वो डिटैचमेंट शुरू किया, तो बाद में मैंने साफ तौर पर यह सीखा कि दुनिया खूबसूरत होती है उदारता से, दुनिया किसी और बड़े मूल्य से सुंदर नहीं होती है। दुनिया के समय के साथ समझ में ये आया कि ना तो बुद्धि सबसे बड़ी चीज है, ना सुंदरता सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी सुंदर चीज है उदारता, जो किसी इंसान को बेहतर बनाती है। उदारता के बिना मुझे लगता है कि मैं किसी से इम्प्रेस नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि कोई आदमी मेरे पास बैठ के क्या कर रहा है, मैं उसे वो करने देता हूँ, तो ये मेरी उदारता है। मैं उसे रोकता नहीं हूँ, ये मेरी उदारता है, या सामने वाले की भी उदारता है। आप बोल रही हैं, आपको मैं टोक नहीं रहा हूँ, तो ये मेरी उदारता है। आप मुझे मेरी बात कहने दें, ये आपकी उदारता है। आप मुझे वो जीने दें जो मैं जीना चाहता हूँ, ये आपकी उदारता है। तो उदारता के इतने सारे मायने हैं, वो मुझे कहानियां लिखते हुए समझ में आए कि और उनको उदारता से जब जीवन में शामिल हुए, मुझे लगता है कि मैं बेहतर मनुष्य हुआ हूँ। यूटोपियन नहीं भी हुआ हूँ, मुझे लगता है कि पूरा मनुष्य शायद मैं भी हो पाऊँ जीवन में, पर पहले से बेहतर मनुष्य हुआ हूँ, तो मैं कहानियां लिखते हुए हुआ हूँ। एक तो एवोल्यूशन इस तरह का मुझे लगता है जी। दूसरी बात जो ये है कि कहानियां कहते हुए एक कहानी से उत्तरोत्तर आपका क्राफ्ट इवॉल्व होता है जी। आप नए नए तरीके से कहानियां कहना शुरू करते हैं। दिवेश सक्रिय रूप से बहुत अच्छी कहानियां लिखते हैं, मैं उनसे ईर्ष्या करता हूँ, इतनी सुंदर कहानियां लिखते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ लोग शुरू से ही अच्छी कहानियां लिखते हैं, मुझे लगता है कि मैं कहानियां लिखते लिखते सुंदर कहानियां लिखने लगा हूँ अपनी नजर में। ये भी बहुत खूब, ये बहुत प्यारी बात है कि आप सामने किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं और अपने बारे में खुद बता रहे हैं कि आप कब कैसा फील कर रहे हैं। मैं क्योंकि लोग नहीं बताना चाहते, कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते पब्लिक फोरम्स में, कभी नहीं। कहानियां कहना मैंने सीखा है क्योंकि हम सबको लगता है आई एम द बेस्ट, हर फील्ड में मुझसे ज्यादा अच्छा कोई है ही नहीं। मतलब अकेले में भी यही है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी यही है। यहाँ पर हालांकि कंट्रडिक्शन इस बात से निकलता है मेरा जी कि मैं बहुत बार, कई बार देवेश जैसी कहानियां या किसी भी अच्छे समकालीन लेखक की कहानियां देखते हुए मैं कॉम्प्लेक्स में आ जाता था।
यार कितनी अच्छी कहानी है यार, मुझसे तो ऐसी लिखी नहीं जाती, या वो फलां व्यक्ति वो कैसी कहानियां लिख रहा है। तो पर मुझे लगा कि मेरे एक लेखक होते हुए मुझे इस कॉम्प्लेक्स से निकलना चाहिए। मुझे फिर मैंने खुद को तसल्ली दी, जैसे वो हमारे यहाँ बुल्ले शाह कहते हैं ना कि मन का की समझोना बुलिया, इधरों पुटना इधर लोना, कि मन का समझाना क्या होता है, इसको यहाँ से बात को इधर रख दो तो इतने में मन समझ जाता है। मन का समझाना इतना आसान है। तो मैंने बुल्ले वाली बात को याद किया कि मन का की समझोना, मैंने फिर अपने आप को ये समझाया, मैंने कहा कि भाई कुदरत तुम्हें जैसी कहानियां देना चाहती थी वो तुम्हें दी है, राइट, जिस तरह से कह लो लिखवाना चाहती थी कुदरत उस तरह से तुमने लिखी है, देवेश से जिस तरह की कहानियां लिखवाना चाहती है वो उसको दिए सलाही है, तो उनको वो सद्गुण दिए हैं, उनको वो क्राफ्ट दिया है, उनसे तुम तुलना क्यों कर रहे हो, तुम क्यों कॉम्प्लेक्स में आ रहे हो, तुम ऐसी ही कहानियां कह सकते थे, तुमसे कुदरत ऐसी कहानियां लिखवा सकती थी। अब फिर अगली जिद शुरू होती है मेरी, मेरी जिद ये शुरू होती है कि भैया मैं मुझे तो ऐसी कहानी लिखनी आती है और इस कहानी को मुझे अब दुनिया के बेहतरीन लोगों तक पहुंचाना है, देना है, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना है बिना कॉम्प्लेक्स में आए हुए कि देवेश मुझसे अच्छी कहानी लिखते हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो 100 लोगों तक पहुंचाए, मेरी जिम्मेदारी है मैं 5,000 लोगों तक मेरी कहानी पहुंचाऊंगा। ये जिद फिर मैंने अगले स्टेप पर धारण की और इससे फायदा ये हुआ कि मैं अपने समकालीन अच्छे लेखकों से ईर्ष्या होना बंद हो गया, कुंठाएं बंद हो गई और मैं अपने लेखन पे ज्यादा फोकस्ड हुआ, अपने लेखन में धीरे धीरे ग्रो भी करने लगते हैं। जवाब दिया। अच्छा, नहीं नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इस पे भी आऊंगी अभी। राजेश जी, पहले मैं आपके वो वाला सवाल जो आधा हमने छोड़ा था कि आपने पर्टिकुलर कुछ नंबर्स लिखे हैं कहानियों के, और अभी आपने कहा तय किया है कि मैं इतनी कहानियां और लेकर आऊंगा, उसके पीछे क्या गणित है? ये जो अभी चर्चा चल रही थी स्त्री विमर्श की, पहले इस पे हाथ धो लूं थोड़ा सा, प्लीज। देखिए मेरा मानना थोड़ा मुख्तलिफ है। मैंने तो रजिया सुल्तान को देखा है, मैंने तो फीमेल्स के ऐसे किरदार देखे हैं इतिहास में जो भुलाए नहीं जा सकते। 150 साल पहले शरदचंद्र ने जो लिखा है उनके आप सारी स्त्रियों को देखिए, उनके सारे स्त्री विमर्श को देखिए, वहां तो औरत स्त्री की स्त्री जो है वो घर की धुरी है, उसके इर्द गिर्द ही सब कुछ घूम रहा है। मुझे बता दीजिए कि बरसों बरस से कितने युगों से इन परिवारों की जो धुरी स्त्री रही है वो कमजोर कैसे हो सकती है। राजेंद्र यादव ने स्त्री विमर्श का बहुत बड़ा मंच सजाया, बहुत बड़ा विमर्श किया, मैत्री पुष्पा जैसे लोग पता नहीं कितने लोग उस विमर्श में आए, लेकिन नासरा शर्मा को या आप और जो लेखिकाएं हैं उनको आप कैसे अलग कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, दुर्गा भाभी के साथ मैं उठता बैठता था, दुर्गा भाभी भगवती चरण वोरा की पत्नी, जो भगत सिंह को उस स्टेशन से बाहर निकाल के लाई जिसपे पूरी अंग्रेजी शासन लगा हुआ था, अंग्रेजी फौज लगी हुई थी, और जो पीछे बक्सा चल रहा था, दुर्गा भाभी का छोटा बेटा उनके हाथ में था शचीन्द्र, और भगत सिंह को वो लाहौर के स्टेशन से निकाल के लाई जहां पर भगत सिंह को पकड़ने के लिए पूरी पुलिस खड़ी हुई थी, और जो पीछे बक्सा चल रहा था उसमें पूरा असला था, ऐसी दुर्गा भाभी। मैं तो प्रकाशवती पाल जो यशपाल की पत्नी थी उनके हाथ पकड़ के बैठा रहता था, उनका अंतिम समय था, उनको दिखाई कम देता था तो मेरे हाथ खींच अपने हाथ खींचती थी, मैं कहता था मुझे रहने दीजिए इन हाथों को मेरे हाथों में, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने उनको गोली चलाना सिखाया था, वो उन्हें मोटू भैया कहती थी, तो मैंने कहा जब चंद्रशेखर आजाद ने आपको गोली चलाना सिखाया होगा तो इन्हीं हाथों को तो पकड़ा होगा, मैं आपके हाथों में चंद्रशेखर आजाद के हाथ महसूस करता हूँ। हमारी तो स्त्रियां ऐसी रही हैं, पता नहीं किन स्त्रियों की बात होती है, कौन स्त्री कमजोर है, कहाँ कमजोर है। मैंने लगभग 1000 लिटरेरी किताबों पर लिखा है, मैंने उसमें पुरुषों को तो देखा ही देखा है, स्त्रियों को भी गहनता से देखा है। स्त्री को कमजोर भी हम ही लोग बनाते हैं, हम किरदार गढ़ते हैं, हम कमजोर किरदार गढ़ते हैं, उसके बाद हम चीजों को लेके आते हैं, हम विमर्श चलाते हैं, ये भी एक बाजार है। लेकिन स्त्री कमजोर कहीं नहीं है, मुझे बता दीजिए आज किसी घर की स्त्री कमजोर हो। गांव में हमारे यहाँ एजुकेशन नहीं थी, हमारा जब भारत आजाद हुआ तो एजुकेशन नहीं थी, हमारे भारतीय समाज का परिवेश कुछ और था, हमारे किचन कुछ और था। अरे स्त्रियां गाते गाते 50 लोगों का खाना बना लेती थी, हमारे पकवान बना लेती थी, हमारी चीजें बना लेती थी। एक हमारे सोसाइटी का सिस्टम था कि मर्द कमा के लाता था, औरत घर चलाती थी। लेकिन ये कहा जाए कि स्त्री धुरी नहीं रही है, स्त्री कमजोर रही है, औरंगजेब के पीछे उसकी बहन बैठती थी, वो उसे बताती थी शासन कैसे करना है, अकबर के पीछे भी स्त्रियां बैठती थी, वो बताती थी शासन कैसे करना है। तो राय मशवरा तो हर जगह होता रहा है, हर बात पे होता रहा है, मैं तो जेंडर को मानता ही नहीं, बुद्धि सबके पास है,
सब लोग एक साथ दिमाग लेके आए हैं। हाँ, जेंडर अलग अलग हो सकता है, लेकिन कोई कमजोर नहीं है, किसी तरह से कमजोर नहीं है। हम कमजोर और सुघड़ गढ़ते हैं, हम किरदार गढ़ते हैं। आप बताइए, आप आज यहां बैठी हैं, हैं अंजना ओम कश्यप किसी और मंच पे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नहीं है। बेनजीर भुट्टो की मैं बायोग्राफी पढ़ रहा था, एज ए प्रधानमंत्री आपको अपनी डिलीवरी के लिए छुट्टी नहीं मिल सकती। उन्होंने एक प्राइवेट जगह पर जाके अपनी डिलीवरी कराई और अगले दिन सुबह फिर प्रधानमंत्री कुर्सी बैठी हुई अपना राजकाज चला रही थी। तो ये तो स्त्रियां हैं, कौन सी स्त्री कमजोर है? स्त्रियों को कमजोर नहीं समझिए, स्त्रियों को समझने की बात नहीं हो रही है यहाँ पे राजेश जी, बात हो रही है सच की। डिस्टॉर्ट हुआ, कमियां आई, खामियां आई, जो भी वजह रही, लेकिन आप ये मानेंगे जो विमर्श की आप बात कर रहे हैं ना कि हम एक एजेंडा चलाते हैं, उस बात से मैं थोड़े हद तक मैं सहमत हूँ कि बात सच है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कुछ नहीं हो रहा, हम बहुत एम्पावर्ड हैं। हमारे हमारे सोसाइटी का थोड़ा सा फ्रेम अलग है। हाँ। पुरुष बाहर चलाते हैं, नहीं तो ये कोई बुरी बात नहीं है। अब तो स्त्रियां भी बाहर आ रही हैं, और स्त्रियां जब बाहर आ रही हैं तो वो भी काम कर रही हैं। मुझे तो लगता है कि स्त्रियां जब घर में भी थी, घर संभालना कोई छोटी चीज नहीं है। मेरी मदर को मैं देखती हूँ, जो रेस्पेक्ट उनको मिली, मुझे लगता है कि हम लोगों को कितना भी कमाने के बाद उस सेंस में नहीं मिल सकती। जी, जहाँ पे बाबा, मेरी अम्मा, मेरे पिताजी, कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि वो घर में तो वो कमजोर है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीजें जिसपे बात हो सकती है। वो सिर्फ कुछ ही लोगों के साथ है कि वो घर में है, बहुत एम्पावर्ड है, उससे पूछकर प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है, उसके नाम पर प्रॉपर्टी है बहुत सारी, बिल्कुल हर चीज में उसका, और वो बहुत शांत है, जिससे हम सीखते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे सब्र रखना है, कैसे चीजों के साथ डील करना है, कैसे खाना बनाना है, सब कुछ। लेकिन हर घर का ये हाल नहीं है, ठीक है ना? लेकिन हमारे यहाँ मदर इंडिया जैसी फिल्में भी बनती बिल्कुल है, है ना? शैला जी बताएंगे, हमारे यहाँ विदुषियां रही हैं, माँ सीता ने अपने मन से पसंद शादी की ना, उन्होंने चुना कि उन्हें किससे शादी करनी है, उस तरह की लिबर्टी रही है। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि सबके पास, और ये चीजें खराब नहीं हुई है, समाज में बहुत कुरूतियां आई है। शैला जी, अभी आपने कहा कि मैंने मेरी जो कहानी है मैं उसको भी खत्म कर दूं बात को, तो लगभग 1000 किताबों पे मैंने लिखा, 3000 लोगों के मैंने इंटरव्यूज लिए, और इंटरव्यूज ऑन स्क्रीन जिनके लिए जाते हैं वो सब पर्सनैलिटीज होती हैं, तो मैंने उनको भी देखा ये किस तरह की पर्सनैलिटियां हैं, ये पर्सनैलिटीज कैसे उभरी हैं, कैसे बनी हैं। अभी मैं बरेली में इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन का डीन हूँ, मेरे पास बच्चे हैं बहुत सारे, मैं उन बच्चों को देख रहा हूँ, उसमें जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो किस तरह से उभर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, और ये जो युवा सोच है, ये जो युवा वर्ग आ रहा है, ये अलग इंथ्यूसिज्म से, अलग पैटर्न से, अलग चीजों के साथ चल रहा है, लेकिन इनके घर के जो संस्कार हैं, इनकी जो बातें हैं, केवल टच करने की जरूरत है, इनको सही रास्ता देने की जरूरत है, इनको सही तरीके से हैंडल करने की जरूरत है। सारे के सारे काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ मैगजीन बन रही है, हमारे यहाँ न्यूज बन रही है, हमारे यहाँ अखबार बन रहे हैं, हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं, हमारे यहाँ इंटरव्यूज हो रहे हैं, हमारे यहाँ ब्लॉग्स बन रहे हैं, और सब बच्चे बना रहे हैं। आप बताइए, फर्स्ट ईयर से आप मुझे बताइए कि जो आपने गणित बताया ना, कितनी कहानियां और लेकर आएंगे, उसके पीछे की क्या कहानी है? 120 कहानियां भी और रह गई हैं, क्योंकि अभी क्या है, मैंने एक किताब पूरी करी है, दूसरी किताब आधी से ज्यादा हो गई है, अब तीसरी जो मैं फेदर्स ऑफ लाइफ कर रहा हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड में महसूस कर रहा हूँ कि बरेली के बच्चे कहाँ कहाँ गए हैं। तो अभी मैं 20 बच्चों पे पहुंच पाया हूँ, 80 बच्चे मुझे और तलाशने हैं, कौन एम्स में गया है, तो ये थोड़ा रिसर्च वर्क है, थोड़ा टाइम मांगता है, और उसकी ऑथेंटिसिटी भी देखी जाती है। अब मुझे पूरी दुनिया से लोग अप्रोच करते हैं, अभी मेरे पास पिछले हफ्ते एक लड़का नॉर्वे से आया, उसने बरेली के स्कूल से पढ़ाई करी, फिर गुड़गावा से पढ़ाई करी, अब वो नॉर्वे की एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ है, तो मैं उसकी कहानी लिख रहा हूँ। ऐसे ही कोई माल्टा से मुझे बात करता है, कोई मुझे इंग्लैंड से बात करता है, कोई मुझे यूरोप से बात करता है, तो उस तरह की कहानी। मतलब पूरे दुनिया में जो बरेली, आप सोचिए बरेली उत्तर प्रदेश का छोटा सा शहर है, उसके बच्चे कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को जब कहानी सुनाते हैं तो हम सुनाते हैं कि ऐसा किरदार था, ऐसा ये था, हमारे तो शहर में इतने किरदार है। ग्लोबलाइजेशन के बाद ये चीजें कम हो गई है ना वैसे, क्योंकि आपकी रीच बहुत बढ़ गई है, इंस्पायर करने के लिए लोग बहुत बढ़ गए हैं। शैलजा जी, हाँ, आप पूरी बात कह दीजिए, जो हम बात कर रहे थे हिस्ट्री विमर्श पर, वो भी बिल्कुल वहाँ से ही शुरू करी। सोच रही हूँ कहाँ से कहूँ कि इंदिरा गांधी को तो सारे ही जानते हैं जी, रानी लक्ष्मीबाई को सारे ही जानते हैं, तो ये कहानी बन गई ना, ये इतिहास बन गई। मेरे घर के बगल में मालती रहती है, कोई नहीं जानता, तो वो मालती 80,000 रुपए महीना कमाती है, ठीक है, 80,000 बहुत होता है, और 100 रुपए की फेयर एंड लवली के लिए वो सारी रात मार खाती है,
तो आप अपने घर के आसपास उन तबके में जाकर के देखो कि कितना मुश्किल आ गए मुझे कि कितना मुश्किल है और ये कह देना कि बहुत इम्पावर हो गई हो रही है ये कहाँ बोल रही हूँ कि नहीं हो रही है और इम्पावर आप उन लोगों भी हम हाँ ये भी हम मानते हैं आप उन लोगों के बीच तो जाइए फिर उनका अफसोस देखिए कितना बड़ा होता है आप बगल में रह के कुछ नहीं कर सकते यार वो क्या की 100 रुपया खर्च कर दी कितना बड़ा मसला हो गया 80,000 रुपया कमाती है यार वो औरत तो वो हमारे ही समाज से है ना हमारे बिल्डिंग में रहती है वो तो नजरिया है आप किसे देखना चाहते हैं तो मेरी नजर शायद ऐसे लोगों तक बार बार जाती है और मुझे लग रहा है वो टाइम खत्म हो रहा है और मैं एक छोटी सी कविता सुनाना चाहूंगी जी 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 प्लीज क्योंकि जो औरतें जिनके लिए मैं कुछ नहीं कर पाई उनके लिए मेरे अंदर बहुत गहरा अफसोस है जिसमें मेरी माँ बहुत पहली औरत रहेगी तो जो अब नहीं है तो उसके लिए है अम्मा जब तुम चली गई नल से पानी चला गया जब तुम चली गई नल से पानी चला गया आंख से रोशनी आती हुई सांस रुक गई उम्र से पहले कमर झुक गई जब तुम चली गई अम्मा गेहूं में घुन लग गया आटा में ज्यादा हो गया चोकर प्यार का अर्थ उसी दिन खो गया गरीबी ने तभी घेर लिया जब तुम चली गई अम्मा हर सिंगार नीले पड़ गए चिड़ियों ने चोंच का दाना छोड़ दिया शहर से रिक्शे गायब हो गए पड़ोसी का चूल्हा बुझ गया जब तुम चली गई अम्मा आंचल के मायने चले गए निस्वार्थ प्यार चला गया हमारे ठीक होने की मशीन गड़बड़ हो गई सारी आवाज जड़ हो गई जब तुम चली गई सब रूठ गया बादल आए ही नहीं धूप तेज हुई छांव को हर राहगीर तरसा जब तुम चली गई अम्मा सब कुछ चला गया छू देने वाली कविता बहुत शुक्रिया आपका माएं होती इतनी खास है ना कि कहीं भी बात जिक्र कर दीजिए आपके रोंगटे खड़े होंगे या फिर आंखों में आंसू आएंगे या फिर वो कृतज्ञता आएगी कि क्या कुछ किया है उन्होंने आपके लिए यहां तक आपको पहुंचाने के लिए और वैसे भी स्पेशली लड़कियों की माएं तो ना मुझे लगता है कि वो इस तरह का स्तंभ है ना कि आप कितने भी बुरे हालात में है ना लड़कियों की माओं को मरना ही नहीं चाहिए हमेशा जिंदा रहना चाहिए हमेशा मैं भी मानती हूँ मुझे तो लगता है माओं को हमेशा जिंदा रहना जिंदा रहना बहुत अकेली हो जाती है अग्री कुछ कह रहे हैं देवेश मैं कहना तो चाह रहा था लेकिन शैलजा जी ने बात पूरी कर दी सर की बात पे ही कि जब सर ने औरंगजेब की बहन का उदाहरण दिया तो मुझे याद आ गया मैं यहाँ टीचिंग में भी हूँ मैं पढ़ाता हूँ जी 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 और मैं देखता हूँ कि औरंगजेब की बहन भले उसे पीछे बैठ के गाइड करती थी लेकिन आजकल की माओ और बहनों को देखता हूँ जिस इलाके से मैं आता हूँ वो तो सब्जी भी बिना पूछे नहीं बना सकती कि कौन सी सब्जी बनानी है वो भी पुरुष ही डिसाइड करेगा तो फर्क तो है अब वही नजरिए की बात है नहीं तो इतने जो क्राइम हो रहे हैं रेप हो रहे हैं ये बहन बेटियां शाम को घर जाने से अंधेरे में निकलने से डरती हैं तो वो भी हैं उनको भी देखा जाना चाहिए और कमजोर तो उन्हें सच में बना हम ही रहे हैं लेकिन उसको एक्सेप्ट भी हमें करना चाहिए और उसमें सुधार करना चाहिए और शायद शैलजा जी की ही या अगर मैं गलत नहीं हूँ या अनामिका जी या शैलजा जी की लाइन है कि मैं स्त्री जैसे कोई दरवाजा थी जितना मुझे पीटा गया मैं खुलती गई ऐसी एक अनामिका जी की एक कविता है तो वो उठ तो खड़ी होगी कभी न कभी द्रौपदी की तरह लेकिन उसे मौका तो मिलना चाहिए बिल्कुल दुष्यंत जी एक शेर है जी मैं आपसे भी शेर सुनना चाहती हूँ मुझे पता नहीं पहला वर्ड शब्द सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ पर मुझको मेरे यकीन की हद से न जानिए बेहद हूँ बेहिसाब हूँ बे इंतहा हूँ बिल्कुल सच है बिल्कुल सच है दुष्यंत जी आप भी कुछ हमें जरूर सुना दीजिए खास तौर से अगर आपका कोई फेवरेट शेर है मैं 2-2.5 मिनट की कहानी सुना दूं प्लीज सुनाइए सर माइक ले लीजिए तो और अच्छा रहे अच्छा ये आपकी नई किताब है जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे और इसको आपने नाम दिया है किससे कॉफियाना किससे कॉफियाना मतलब सूफियाना से बनाया कॉफी पीते हुए किससे हाँ सूफियाना से शब्द बनाया कॉफियाना कॉफी से रिलेटेड हाँ, कॉफी से कॉफी पीते हुए आप मान लो किससे पढ़ते हैं तो उस तरह की ऐसी भाव दिया हमने थोड़ा एलीट भाव है मैं चाय पीते हुए पढ़ूंगी इसको तो 2.5 मिनट आपके मैं चाहूंगा प्लीज कहानी का शीर्षक है संदूक संदूक दादी रामकोरी एक चाबी को अपने छींट के घाघरे के नाड़े से बांध कर रखती थी
दादी छींट का घाघरा ही पहनती थी, नहाते समय घाघरा बदलता तो चाबी को दूसरा नड़ा मिलना तय होता था। घर के सारे लड़कों की निगाह उस चाबी पर रहती थी। किसी ने नहीं देखा कि दादी ने दिन या रात के किसी पहर उस चाबी का किसी ताले को खोलने के लिए इस्तेमाल किया हो। एक बार दादा हरदयाल ने दादी से इस चाबी के लिए लड़ाई भी कर ली थी कि बता रांड किसकी है, कौन से ताले की है। पूरे 9 दिन तक दोनों में अनबोला रहा था। कार्तिक का उतरता हुआ महीना था, जाड़ा अपने चरम पर था। उस रात काली पीली आंधी आई थी। उस वक्त दादी और दादा उस पुराने आयताकार कमरे में बट्ठल में खीरे डालकर तप रहे थे कि रात कट जाए। दादी को दौरा पड़ा और दादी के प्राण निकल गए। दादा ने दादी के नाड़े से बंधी चाबी खोली और सारी अलमारियों और संदूकों में लगाकर खोली। पिछली रबी की फसल के गेहूं की बोरियों की ढेरियों के बगल में रखी सबसे छोटी संदूक में चाबी लग गई। ताला जंग खा गया था। चाबी के साथ 2-4 बार हिलाया तो खुल गया। संदूक में बस एक किताब थी, गीता प्रेस गोरखपुर की श्रीमद् भागवत गीता, और उसके बीच में खत। खत पीला पड़ गया था। खत खोलते हुए दादा के हाथ कांप रहे थे कि कहीं फट न जाए। खत हिंदी में लिखा था। वर्तनी की गलतियां थीं जो बता रही थी कि लिखने वाले को ज्यादा हिंदी नहीं आती। खत में लिखा था, मेरी हम नफस रामकोरी, पूरा परिवार पाकिस्तान जा रहा है, मुझे भी जाना ही पड़ेगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही और कभी लौटना हुआ तो जरूर आकर मिलूंगा, तुम शादी कर लेना, तुम्हारा रसूल। वाह क्या बात है। दादा ने खत को बहुत डरते हुए उसी तरह किताब में रख दिया। किताब उसी छोटी सी संदूक में रख दी और संदूक को ताला लगा दिया। चाबी अपनी धोती की गांठ में रख ली। उन्होंने बेटों को आवाज दी। पूरा परिवार शोक में डूब गया। वाह बिल्कुल ऐसा ही मंजर। प्रतिभा राय की एक नॉवल है, मुझे नाम याद नहीं है, उसमें भी ये है कि दादी का रामायण या गीता जो भी थी वो छू नहीं सकता था और बहुत पजेसिव थी वो उसके लिए। उसमें भी उनके पुराने प्रेमी की फोटो थी। बिल्कुल ऐसा ही था मंजर। बहुत बहुत खूबसूरत। मतलब मैं कई बार सोचती हूँ कि आप लोग कितना खूबसूरत लिखते हैं कि दिल तक को छूती हैं चीजें। मैं शायद वो जो सवाल हम पूछ रहे थे कि यंगस्टर्स जो नहीं पढ़ रहे हैं, जिनके बारे में हमें बड़ी चिंता है, आप उस पर क्या कहेंगे? मुझे तो कई बार लगता है कि बहुत लोग पढ़ रहे हैं, हमें गलत फहमी है कि नहीं पढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपसे भी सवाल है। हाँ, मैं क्योंकि लिखने के कई माध्यमों से जुड़ा हूँ जी, शायद इसका जवाब उस सवाल से भी आपके जुड़ेगा जहां हम पैसे की बात कर रहे थे, लिखने से पैसे के जुड़े बात कर रहे थे। क्योंकि एक तो मैं हमेशा मानता हूं कि भारत श्रवण परंपरा का देश है। किताबें छपना सेरामपुर में अंग्रेजों के जमाने में शुरू हुआ, जब पहली बार भारत में बाइबल छपी। उससे पहले सब कुछ हमारे यहाँ बोल के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता था। तो मैं ये बात मानता हूँ कि लिखे को ये सिर्फ ये मत मानिए कि जो किताब की शक्ल में आ गया वो लिखा हुआ है, कि जो किताब की शक्ल में आ गया वो लिटरेचर है। किताब की शक्ल में लिखकर ही आपको आजीविका कमानी है। लिखना किसी भी शक्ल में हो सकता है तो आपकी आजीविका हो सकता है। आप रेडियो के लिए लिखें, आप ऑडियो स्टोरीज लिखें, आप सिनेमा के लिए लिखें, लिखना लिखना है और आप लिटरेरी सेंस होना चाहिए उसमें, ये अलग बात है। दूसरी बात, जब यूथ की बात आती है तो भी वो इससे जुड़ती है कि हमारा यूथ आजकल, मेरी बहुत दृढ़ धारणा है कि लिखा हुआ पढ़ता कम है, सुनता ज्यादा है। ऑडियो बुक्स पढ़ी जा रही है, ईमानदारी से इतनी ऑडियो बुक्स पढ़ी जा रही है, सुनी जा रही है कि पूरे मॉर्निंग वॉक के घंटे घंटे सवा घंटे घंटे आप पूरी पूरी किताब सुन जाते हैं। कई दिन 10 दिन में 5 दिन में सुन लेते हो। तो आप ये मान के चलिए कि युवा बात सवाल तो ज्ञान और सूचना का मिश्रण ही तो है किताब, और ज्ञान और सूचना किसी भी माध्यम में उनको लिखा हुआ अगर ऑडियो फॉर्म में मिल गया, पूरी किताब का पाठ मिल गया, तो हमें क्यों जिद है कि वो किताब की शक्ल में ही हो। जिस पीढ़ी को किताब से मोहब्बत है, हम किताब को सिरहाने रखना चाहते हैं, हम किताब की खुशबू के साथ पढ़ना चाहते हैं, बुकमार्क के साथ मोहब्बत करते हैं। हमारी पीढ़ी उस पीढ़ी की है के लोग हैं हम लोग, तो हमें वो रहने दीजिए। नई पीढ़ी अगर उससे नया फॉर्म लेना चाहती है तो उसे लेने दीजिए। तो पर ये मैं कतई नहीं मान सकता हूँ कि वो ज्ञान और मनोरंजन के उस कहे गए माध्यम से अलग होगी, ये नहीं होती है। और दूसरी एक बात और आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि जैसे मैंने शैलजा जी को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा था कि वो कविताओं में कहानियां कहती हैं, ये आपको समझ में भी आ गया होगा उनकी 2 कविताएं सुन के। मैं ये और बात भी कहता हूँ कि जब हम बात यहाँ कहते हैं कि भारत में
कवियों ने तो ओवर टाइम किया है। हमारे यहाँ आयुर्वेद के ग्रंथ कविता में लिखे गए, दर्शन के ग्रंथ कविता में लिखे गए, धर्मशास्त्र पूरे पूरे के पूरे ऋग्वेद से लेकर सारे पुराण हमारे यहाँ कविता में लिखे गए। तो कवि से ज्यादा तो किसी ने ओवर टाइम किया ही नहीं। हमारे ज्ञान के, विज्ञान के, दर्शन के हर चीज हमारी जो है ना वो कविता में लिखी गई है। तो कविता में कहानियां अगर शैलजा जी लिख रही हैं तो ये कौन सी नई बात है? मतलब मैं पूरे आदर के साथ कह रहा हूँ, नई बात इस रूप में नहीं कह रहा हूँ कि महत्वपूर्ण काम नहीं कर रही है, महत्वपूर्ण काम किया जा रहा है। तो अगर वो किसी भी रूप में आप तक पहुंचता है, दृश्य श्रव्य माध्यम से पहुंचता है, सुनकर पहुंचता है, पर शब्दों की इज्जत हो, शब्दों की सलाहियत हो, उसका कायदा आप में जिंदा रहे, तो हम लिटरेचर को जिंदा रख लेंगे, किताबें बची रहेंगी और हमारा आपस में मोहब्बतें बची रहेंगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलजा जी। इस सेम सवाल कि यंगस्टर क्या वाकई में कम किताबें पढ़ रहे हैं, ये चिंता का विषय है आप जैसे लेखकों के लिए? नहीं, किताबें पढ़ी जा रही हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। उन्हें जो फील्ड, जिन जगहों पर उन्हें जाना है, उस चीज के बारे में वो हमारे तुलना में समय से पहले वो जानकारियां इकट्ठी कर रहे हैं। उन्हें बहुत बहुत क्लियर है वो कि उनको ये बहुत जरूरी है क्लियर होना। हम लोग बहुत लेट से क्लियर हो पाए, क्लियर नहीं थे। वो एक शेर है, शेर याद आ गया, कोई स्कूल की घंटी बजा दो ये बच्चे मुस्कराना चाहते हैं। हाँ। तो एक्चुअली वो स्कूल वाले टाइम के बाद वाला जो टाइम होता है ना, वो हमें मिला नहीं। हाँ। पर वो बच्चे स्कूल कॉलेज के बाद वाला अपना टाइम ले रहे हैं। हाँ। और अपनी बात और अपने सपने और उनके अचीवमेंट वो उसकी तरफ बिल्कुल चल पड़े। बहुत खूबसूरत बात है, बहुत खूबसूरत बात है। देवेश जी, मैं इस सवाल पे का जवाब देने से अच्छा मुझे लग रहा, मैं टाइम बचा है और मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे कहा था एक कहानी, आप प्लीज उसकी फेवरेट है और दो मिनट आप, मतलब आपके स्टूडेंट ने आपको कहानी सुनाई थी? नहीं नहीं, उसकी ये फेवरेट कहानी है। अच्छा, ओके। और अब चूंकि मैंने 700 ऐसी ही कहानियां लिखी तो मुझे याद नहीं थी ये कहानी जी। और जब मैंने स्टेटस लगाया कि मैं यहाँ जा रहा हूँ तो उसने कहा ये कहानी आप जरूर सुनाओ। ग्रेट, प्लीज जरूर। मजे की बात, एक टीचर एक स्टूडेंट का की बात मांग रहा है क्या, मांग रहा है। तो उसी का जवाब है, एक यंगस्टर्स पढ़ रहे हैं कि नहीं। जी टीवी नगर मेट्रो स्टेशन के गेट से बाहर निकलते ही लड़कियों के एक समूह में से एक ने चिल्लाते हुए कहा, अरे यार आज आसमान कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। सबने सहमति जताई और आसमान की फोटो खिंचाई शुरू हो गई। ठीक सामने बैठी भुट्टे वाली ने अपनी बेटी को जोर से डांटा, जो उन लड़कियों की बातें सुनकर आसमान को देख रही थी, ऊपर का ताक रही है, जल्दी जल्दी हाथ चलाकर हवा कर। माँ के टोकने पर उस 10-12 साल की बच्ची ने निगाहें आसमान से हटा ली, आसमान का नीलापन कम हो गया। लड़कियों के ग्रुप में एक लड़की सबसे अलग थलग थी, बिल्कुल चुपचाप, उसे आसमान से कोई मतलब नहीं था, निगाहें धरती पर थी। उसकी एक दोस्त ने टोका, कमॉन निशु, अब पूरी जिंदगी क्या मुंह लटकाए रहेगी क्या? निशु ने कोई जवाब नहीं दिया। निशु की निगाहें सामने बैठी बच्ची पर थी, जो एक हाथ से पंखा जल रही थी और दूसरे से धुएं को आंखों में जाने से रोकने का असफल प्रयास कर रही थी। निशु की दूसरी दोस्तों ने भी दो एक बार आवाज दी कि वो सेल्फी वाले फ्रेम में आ जाए, लेकिन निशु ने अनसुना कर दिया। एक भुट्टा तैयार करने के बाद बच्ची ने माँ से कहा, मेरे ट्यूशन का टाइम हो गया, मैं जाऊं। दूसरे भुट्टे को साफ करते हुए माँ ने बहुत आसानी से जवाब दिया, रहने दे, आज महीने का आखिरी दिन है, तेरा मास्टर पैसे मांगेगा, 2-4 दिन में पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, तब चली जाना। बच्ची बुझ गई। माँ ने डपटा, अब इसमें मुंह बनाने की कोई जरूरत नहीं है, 200 रुपए कम पड़ रहे हैं, 2 दिन रुक जा। यह बातें निशु सुन रही थी। वो उन माँ बेटी के पास गई और एक भुट्टा देने को कहा। भुट्टा देने के बाद महिला ने कहा, 40 रुपए मैडम जी। निशु की एक दोस्त ने बाकी ग्रुप को सूचित किया, वो देख उसे अब भुट्टा खाने चली है। दूसरी ने कहा, कोई बात नहीं, खाने दे, दोपहर से उसका मूड ऑफ है उस अर्पण की वजह से, जाने दे, कुछ बोल मत। निशु ने 200 का नोट निकाला और बच्ची के हाथों में देते हुए कहा, लो और ट्यूशन जाओ। बच्ची असमंजस में पड़कर माँ की तरफ देखने लगी। माँ ने कुछ कहना चाहा तो निशु ने टोक दिया, मैंने आपकी बात सुनी है, प्लीज आप इसको ट्यूशन जाने दो। कुछ पल तक निशु की आंखों में देखते रहने के बाद माँ ने आंचल के एक कोने में बंधे 300 रुपए निकाले और बिटिया की हथेली पर रख दिया। निशु ने बच्ची से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? बच्ची ने जवाब दिया, नूर। निशु ने बच्ची का हाथ पकड़ते हुए अपने एक दोस्त से कहा, अरे राखी जरा मेरी एक फोटो खींचना नूर के साथ। फोटो खींचा लेने के बाद निशु ने नूर से जाने को कहा। जाते जाते नूर ने एक नजर आसमान पर डालकर उसका नीलापन वापस कर दिया। ग्रेट, वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। राजेश जी, यंगस्टर्स पे आपके तो आसपास ही बच्चे हैं ढेर सारे। देखिए मेरे आंखों में तो केवल युवा और युवा ही तैर रहा जी।
मुझे आजकल के बच्चों पे बहुत भरोसा है। पिछले 15 सालों में 20 सालों में दुनिया जिस तेजी से बदली है वो कई 100 साल में नहीं बदली। हमें फेसबुक देने वाले, ट्विटर देने वाले और बहुत सारे प्लेटफॉर्म देने वाले, सॉफ्टवेयर देने वाले कौन है? हमारे समय के युवा ही थे। आज भी युवा बहुत सारे काम कर रहे हैं। हाँ, इस युवा के पास नई चिप है, इनके पास नया दिमाग है, ये पढ़ भी रहे हैं, ये जान भी रहे हैं। इसी दिल्ली में देख लीजिए, जब रेखता का प्लेटफॉर्म सजता है तो किस कदर युवा होता है, किस कदर युवा की भीड़ आती है, गजलों को सुनने वाले होते हैं। यहाँ देखिए कितने युवा बैठे हुए हैं। तो मुझे तो युवाओं पे इतना भरोसा है और हमारा सपना ही ये है जिसे साकार यही लोग करेंगे। और ये लोग इतने क्लीन है, इतने क्लियर है, इनको पता है। इन बच्चों को 9th और 7th में पता होता है कि इन्हें अपने जीवन में क्या करना है। इन्हें अगर कहा जाए कि पत्रकारिता का ये कोर्स है तो वो वाला अपने पेरेंट्स को कोर्स बताते हैं जो पेरेंट्स ने कभी सुना भी नहीं होता है। और वो कोर्स वो दिल्ली में, बम्बई में ढूंढ भी लेते हैं और उसे जाके कर भी लेते हैं और उसके साथ वो दुनिया के परचम भी लहराते हैं। तो युवा अपनी जगह पर है, वो पढ़ रहा है, वो कर रहा है। और युवा ही हम लोगों को, हमारे भारत को इतना विकासशील बनाया है इसने, और यही हमको आगे लेके जाएगा और यही हमें हिंदुस्तान पे गर्व भी कराएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का, बहुत सारा थैंक यू आने के लिए, इतनी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए, इतनी इंस्पायरिंग बातें बताने के लिए। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से, थैंक यू सो मच।